दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। पिंजौर कालका होकर नहीं जाएगी एचआरटीसी की वॉल्वो बसें। ई टैक्सी चलाने के लिए 23 वर्ष न्यूनतम आयु, हिमाचली बोनाफाइड को ही मिलेगा लाभ। वेतन विसंगति दूर ना होने से एचआरटीसी कंडक्टर नाराज। शिक्षकों से ना वसूला जाए डिग्री वेरिफिकेशन का खर्च। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएंगे जायका के 44 लाख पौधे। महिला फुटबॉल में हिमाचल की करारी हार, बिहार ने 5-0 से दी शिकस्त। हिमाचल में 26 से फिर रंग दिखाएगा मौसम, दो दिन बारिश हिमपात के आसार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली शिमला रूट पर चलने वाली बसों के रूटों में एचआरटीसी ने बदलाव किया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला के लिए चलने वाली वॉल्वो बसों के रूटों में बदलाव किया है। यह बदलाव एचआरटीसी की वॉल्वो बसों में सफर करने वाले यात्रियों के फीडबैक आने के बाद किया गया है। ऐसे में एचआरटीसी वॉल्वो बसों में शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला सफर करने वाले यात्रियों के महत्वपूर्ण खबर है। अब वॉल्वो बसों में शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला का सफर करीब 2 घंटे कम होगा। अब शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला चलने वाली प्रत्येक वॉल्वो बस पिंजौर बाईपास होकर जाएगी। ये वॉल्वो बसें कालका, पिंजौर और परवाणु नहीं जाएंगी। ये बसें वर्तमान में शिमला से जाते हुए परवाणु, कालका, पिंजौर एवं चंडीगढ़ जाती थी। ऐसे ही दिल्ली से आते हुए चंडीगढ़, पिंजौर, परवाणु, कालका से होते हुए शिमला पहुंचती थी। यात्रियों द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई कि कालका, पिंजौर, परवाणु से जाते हुए वॉल्वो बसें ट्रैफिक जाम में फंस जाती हैं, जिसके कारण उनका व्यर्थ में 1 से 1.5 घंटा खराब हो जाता है। इसी फीडबैक के आधार बनाकर इस संबंध में ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने ई टैक्सी के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। बोनाफाइड हिमाचली व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा लाभार्थी को ई टैक्सी स्वयं चलानी होगी। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। एचआरटीसी कंडक्टर एक बार फिर प्रदेश सरकार से नाराज हो गए हैं। आइए जानते हैं इस नाराजगी का कारण। वेतन विसंगति दूर ना होने से एचआरटीसी कंडक्टर नाराज हैं। एचआरटीसी कंडक्टरों ने प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। एचआरटीसी कंडक्टर 5 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर विरोध करेंगे। इसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ने बताया कि पिछली सरकार से लेकर अब तक यूनियन वेतन विसंगति को दूर करने की मांग उठाती आई है। इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से कंडक्टरों का वेतन बढ़ने के बजाय घट रहा है। पहले कंडक्टरों को जहां 2400 रुपए ग्रेड पे दिया जाता था, तो वहीं नए वेतन आयोग के लागू होने से इन्हें सिर्फ 1900 का ही ग्रेड पे मिल रहा है। एचआरटीसी कंडक्टरों को 1996 तक 7 श्रेणियों को एक समान वेतन मिलता था। इनमें पटवारी, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड,
कंडक्टर व अन्य श्रेणियां थी, लेकिन 2006 के बाद कंडक्टरों को इस श्रेणी से हटा दिया गया है। कंडक्टर यूनियन ने मांग उठाई है कि कंडक्टरों को 2006 से पहले की तरह इन सभी श्रेणियों के बराबर ग्रेड पे दिया जाए। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से बड़ा मसला उठाया है। इस मसले के क्या है मायने, देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अपने अधीन कार्यरत टीजीटी, सीएंडवी और प्रवक्ता शिक्षकों की डिग्री वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए हैं। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की पहचान के लिए अब शिक्षा विभाग ने डिग्री जांच की मुहिम चला दी है। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की जांच के लिए फीस का भार सरकार उठाए और इसे शिक्षकों से न वसूले, यह मांग राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल, प्रदेश संरक्षक रविंद्र गुलेरिया, महासचिव विजय हीर, प्रदेश स्टेट डेलीगेट्स संजय ठाकुर आदि पदाधिकारियों ने सरकार से की है। इस वेरिफिकेशन का खर्च 3,000 रूपए से 6,000 रूपए का खर्च प्रति शिक्षक आएगा। दस्तावेजों की जांच के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इसके लिए 600 रूपए प्रति सर्टिफिकेट, प्रदेश विश्वविद्यालय से बीएससी का 800, बीए का 600, बीकॉम का 700, बीएड का 1,600, एमए का 1,200, एमकॉम का 1,400, एमएससी का 1,200 और अन्य राज्यों से इन योग्यताओं के लिए इससे अधिक शुल्क तय हैं। ऐसे में यह खर्च सीधे रूप से उन शिक्षकों को करने हेतु कहा जा रहा है। स्कूल मुखिया अब शिक्षकों से इस फीस का ड्राफ्ट मांग रहे हैं। संघ का कहना है कि इस बारे में सत्यापन शुल्क की व्यवस्था शिक्षा विभाग व सरकार करे। उन्होंने कहा कि शिक्षक डिग्री जांच को राजी हैं, मगर अब तक कई बार दस्तावेज जांच के बाद भी उनको दोबारा जांच के लिए कहा जा रहा है। इसका खर्च राज्य सरकार को ही उठाना चाहिए। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में जायका प्रोजेक्ट अहम भूमिका अदा कर रहा है। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी जायका की नर्सरी में 55 प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। प्रदेश में जायका के अंतर्गत 66 रेंज और 6 सर्कल आते हैं। इनमें विकसित नर्सरियों में तोश, खैर, खनूर, टौर, कचनार, देवदार, शीशम, अमलूक, आंवला, लोकाट, बिहुल, अखरोट, दरेक, मोरस, रई, चिलगोजा आदि के अलावा जड़ी बूटियों के 55 पेड़ों की प्रजातियों वाले पौधे उपलब्ध हैं। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से इन नर्सरियों की क्षमता लगभग 80 लाख पौधे की बढ़ोतरी की है। इस साल लगभग 44 लाख पौधे तैयार किए हैं। कुल मिलाकर जायका परियोजना के तहत चल रही नर्सरियां अपने आप में एक मिसाल बन चुकी हैं। प्रदेश की हर जलवायु में रोपने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रयास हिमाचल में हरित आवरण को वर्ष 2030 तक 30% बढ़ाने के लिए ही परियोजना का अहम योगदान है। परियोजना के तहत तैयार की जा रही पौधों की प्रजातियों और बुनियादी ढांचों के संबंध में बेहतर सुधार भी किए जा रहे हैं। जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही नर्सरियों में अत्याधुनिक तकनीक से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। हमीरपुर के अणु मैदान में महिलाओं की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई है। महिलाओं की 28वीं सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप एफ के मुकाबले मंगलवार को अणु स्टेडियम में आरंभ हो गए। इनमें हिमाचल भारतीय रेलवे, बिहार, अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र की टीमें भाग ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहली बार महिलाओं की सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। चैंपियनशिप के पहले मैच में महाराष्ट्र की टीम ने अंडमान निकोबार को 25-0 से रौंद दिया, जबकि दूसरे मैच में बिहार ने मेजबान हिमाचल प्रदेश को 5-0 से हराया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, नगर परिषद के मनोनीत पार्षद एडीसी मनीष कुमार यादव, मैच कमिश्नर एमएस पठान, हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव दीपक शर्मा, विभिन्न टीमों के प्रभारी एवं कोच तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष कल्याण चौबे जी, उनसे मुलाकात की गई, उनसे हमने महिला फुटबॉल को टूर्नामेंट को हिमाचल को देने की बात की।
और उन्होंने हमें पहली बार ये मौका दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी हमारे प्रयत्न हैं, जिस तरीके से माहौल है, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे विद्यार्थी आए हुए हैं और विभिन्न प्रदेशों के खेलों के खिलाड़ी आए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हमारे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को, बेटों को एक नई सोच के साथ खेलों के प्रति उनका एक रुचि पैदा होगी, और उसके द्वारा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में फुटबॉल के खेल में एक अच्छे परिणाम सामने आए। हिमाचल में लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा है, आखिर आने वाले दिनों में कैसे हैं बारिश के आसार, देखिए यह रिपोर्ट। लंबे सूखे स्पेल के बाद अब हिमाचल में फिर से मौसम बिगड़ सकता है। राज्य के कुछ भागों में दो दिन बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 26 व 27 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। राज्य में 23 नवंबर से एक ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के सभी भागों में 25 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सीएम सुखविंदर सुक्खू 26 नवंबर को करेंगे हमीरपुर जिला का दौरा, आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटेंगे। बिलासपुर में मंडी के युवक से पकड़ी चर्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार, छानबीन तेज। दिल्ली में लगेंगे हिमाचली व्यंजनों के चटकारे, 16 से 31 दिसंबर तक होगा दिल्ली हाट का आयोजन। गगरेट में राजस्थान के युवक से पकड़ा नशा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 83.28 ग्राम हीरोइन, 94.72 ग्राम स्मैक की बरामद। न्यूज बुलेटिन में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।